ओम शांति। युवा शक्ति, जैसे ही हम युवा शक्ति के बारे में बात करते हैं, युवा शब्द हमारे सामने आता है, तो उमंग, ऊर्जा और जोश से भरपूर चेहरा हम देखते हैं। युवा अर्थात जिसमें जोश है, जुनून है कुछ करने का। कहा भी जाता है, देखना जो चाहते हो इनकी उड़ान को, करना पड़ेगा ऊंचा और आसमान को। कितनी सुंदर लाइनें हैं जो युवा शक्ति के जोश को, उमंग को दर्शाती हैं। युवा शब्द को यदि उल्टा किया जाए तो उसका विपरीत होता है वायु। वायु अर्थात जो धीरे चलती है तो बहुत अच्छी लगती है, और वही वायु यदि बहुत तेज हो जाए, आंधी का रूप ले ले, तो बड़े बड़े वृक्षों को भी उखाड़ फेंकती है। अर्थात युवा शक्ति यदि सकारात्मक दिशा में लगी रहे तो बहुत अच्छा निर्माण कर सकती है, और वही युवा शक्ति यदि गलत कार्य में लग जाए तो बहुत बड़ा विनाश भी कर सकती है। तो युवा शक्ति की यदि महिमा की जाए, जितनी महिमा की जाए उतनी ही कम है। लेकिन इस युवा शक्ति का हम उपयोग कैसे करें? आज युवाओं के लिए एक विशेष प्रश्न है, क्योंकि कोई भी ऊर्जा का यदि उपयोग किया जाता है तो वो दो कार्यों में किया जा सकता है। एक स्थापना का कार्य अर्थात कंस्ट्रक्शन, दूसरा विनाश अर्थात डिस्ट्रक्शन। कोई भी ऊर्जा का दो प्रकार से उपयोग होता है। जैसे आज नाभिकीय ऊर्जा है तो उसका उपयोग हम बिजली बनाने आदि के कार्य में भी कर सकते हैं, और उसी का दूसरा उपयोग आज अणु परमाणु बॉम्ब बनाने में किया जा रहा है। अर्थात ऊर्जा को दोनों प्रकार से कार्य में लिया जा सकता है। अब हम अपनी ऊर्जा को कैसे कार्य में लगाएं? आप देखेंगे कि जैसा हम कर्म करते हैं वैसा ही हमें फल मिलता है। ये एक यूनिवर्सल थ्योरी है, ये किसी धर्म से संबंधित नहीं है, किसी मजहब से संबंधित नहीं है, ये एक यूनिवर्सल सिद्धांत है। और ये सिद्धांत कहता है कि जैसा हम कर्म करते हैं उसी के अनुसार, उसी अनुपात में अथवा उससे कुछ ज़्यादा हमें उसका रिटर्न मिलता है। जैसे हम एक बीज बोते हैं तो हमें उतने कई बीज मिलते हैं, एक बीज बोया आपने तो हमें रिटर्न में कई बीज मिलते हैं। इसी प्रकार यदि हम अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाते हैं तो रिटर्न में हमारा भविष्य बहुत सुंदर बनता है। तो आज की यूथ के पास ऊर्जा तो है, लेकिन एक दिशा नहीं होने के कारण उसी ऊर्जा को आज गलत हाथों के द्वारा गलत दिशा में यूज किया जा रहा है। आज यूथ की ऊर्जा डिस्ट्रक्शन में ज़्यादा यूज की जा रही है, भले कोई आंदोलन हो, कोई लड़ाई झगड़ा हो, ऐसे यदि कार्य है तो वहाँ यूथ ज़्यादा देखा जाता है। तो यूथ के लिए ये प्रश्न है, क्योंकि उसके पास ऊर्जा शक्ति है, लेकिन अपनी एक सोच ना होने के कारण अलग व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति उसे गलत तरीके से यूज कर सकता है। तो अपनी सोच को मजबूत बनाना युवा का विशेष कर्तव्य है, ताकि वो अपनी ऊर्जा का सही इस्तेमाल कर सके। और इस सोच को सही बनाने के लिए, अपने विचारों को सही दिशा देने के लिए, अपने संस्कारों को अच्छा बनाने के लिए हमें कुछ रूल्स, कुछ नियम अपने जीवन में धारण करने होंगे, क्योंकि बिना नियमों के मनुष्य जीवन नहीं कहलाता। इसलिए यदि हम अपने जीवन में कुछ नियमों को धारण करते हैं तो हमारा भविष्य बहुत सुंदर बनता है। युवाओं में विशेष जो स्कूलिंग स्टूडेंट्स हैं, जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, जो जीवन के प्रगति के पथ पर अभी चलना स्टार्ट हुए हैं, और उनका जीवन ऐसा है जिसे परिवर्तन किया जा सकता है, जिसमें चेंज किया जा सकता है, लेकिन एक विशेष उम्र के बाद परिवर्तन करना बहुत मुश्किल होता है। यदि इस उम्र में युवा परिवर्तन कर लेता है और सही दिशा में प्रगतिशील हो जाता है तो उसका जीवन बहुत सुंदर बन जाता है। उसका ही नहीं अपितु उससे संबंधित उसका परिवार, समाज, देश और दुनिया को भी वो बदल सकता है,
क्योंकि हमारे सामने ऐसे कई एग्जाम्पल हैं जिन्होंने कम उम्र में भी बहुत बड़े कार्य किए हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद। इतनी छोटी सी उम्र में पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन किया, अपना स्वयं का नाम रोशन किया, अपने गुरु का नाम रोशन किया। तो हमारे पास भी मौका है अपनी ऊर्जा को सही दिशा देने का, अपने विचारों को सही दिशा देने का। आप देखते हैं विचारों को क्रिएट करने की, उत्पन्न करने की क्षमता या शक्ति हमारे पास है। विचारों को हम क्रिएट करते हैं, लेकिन फिर वही विचार हमें क्रिएट करते हैं। अर्थात मनुष्य अपने विचारों द्वारा ही निर्मित होता है, लेकिन हम देखते हैं कि विचारों को निर्मित करने की शक्ति हमारे पास है। तो जब इतनी बड़ी शक्ति हमारे पास है तो हम क्या नहीं कर सकते। कहा भी जाता है कहानी में कि जब ब्रह्मा जी से बात हुई कि मनुष्य की शक्ति को कहाँ छुपाया जाए, तो कहा गया कि मनुष्य की शक्ति को उसके मन के अंदर छुपा दिया जाए, क्योंकि वो सब जगह ढूंढेगा लेकिन अपने मन के अंदर नहीं जाएगा जहाँ उसकी सब शक्तियाँ समाई हुई है। आज हम प्रेयर भी करते हैं ईश्वर से, तो कहते हैं हमें मन की शक्ति दे, मन विजयी करे, दूसरों की जय से पहले खुद की जय करे। अर्थात मन की शक्ति हम चाहते हैं ईश्वर से, क्योंकि हमें पता है यदि हमें मन की शक्ति मिल जाती है तो फिर तन धन सब कुछ हमारे पास आ सकता है, क्योंकि मन की शक्ति सर्वोच्च शक्ति है। इसीलिए आज दुनिया में कहा गया है कि मन को जीता नहीं जा सकता, लेकिन मन को जीतने की बात नहीं है, मन को दिशा देने की बात है, क्योंकि मन हमारा है, विचार हमारे हैं। तो इन विचारों को सही दिशा देने के लिए विशेष युवाओं को कुछ नियम अपने जीवन में उतारने होंगे। पहला, हम कहें युवा को विशेष अपने परिवार से टच में रहना है, क्योंकि आज देखा जाता है कि अपने दोस्तों के साथ रहते हुए वो कुछ गलत कार्य में चले जाते हैं, क्योंकि सभी युवा हैं और सोच उनके पास नहीं है अच्छी, तो वो गलत कार्य में फंस जाते हैं। यदि हम परिवार के टच में रहेंगे तो परिवार में बुजुर्ग भी हैं, बड़े भी हैं, उनके साथ हम अपनी सोच को शेयर करें, अपनी बातों को शेयर करें, डिसकनेक्ट ना हो, अपने परिवार से कनेक्ट रहें। यदि हम ऐसे कनेक्ट रहते हैं तो हम बहुत अच्छा कदम उठाते हैं, क्योंकि आज यदि देखा जाता है कोई भी यूथ गलत दिशा में जाता है तो परिवार से कुछ अलग है, परिवार से दूरी है। यदि हम अपने परिवार से कनेक्ट रहेंगे तो हम बुरे कार्यों से बच जाएंगे, अपनी ऊर्जा को बचा सकते हैं। इसलिए विशेष अपने जीवन में इस चीज़ को बहुत महत्व देना है कि हमें अपने परिवार से जुड़े रहना है, उनके साथ बैठना है, अपनी सोच को शेयर करना है, आप जो कुछ करते हैं उन्हें बताना है। दोस्त गलत नहीं होते हैं, लेकिन बात आती है सही दिशा की, क्योंकि सही दिशा ना होने के कारण गलत चीज़ें बहुत जल्दी यूथ को खींच लेती है। कहा भी जाता है कि यूथ जितना ईश्वर को पसंद है, क्योंकि ईश्वर कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं, तो यूथ जितना ईश्वर को पसंद है उतना ही रावण, है ना, रावण का अर्थ है बुराइयाँ, तो बुराइयों को भी यूथ उतना ही पसंद है। तो एक युद्ध चलती है ईश्वर के और रावण के बीच में। यूथ को एक तरफ परमात्मा अपनी तरफ लेना चाहते हैं और बुराइयाँ अपनी तरफ खींचना चाहती हैं। अब हमें निर्णय करना है हमें किस ओर जाना है, और हम किस ओर जाएंगे तो हमारा फायदा होगा। तो इसलिए पहली बात, हमें परिवार के टच में रहना है। दूसरा, अपनी स्टडी का विशेष ध्यान रखना है। जो हम पढ़ाई कर रहे हैं उस पढ़ाई का, भले हम स्कूल में हैं या कॉलेज में हैं, तो जो भी स्टडी हम करते हैं, जो भी सिलेबस हमारा है, उसको हम अच्छी तरह से पढ़ें, अच्छी तरह से याद करें, क्योंकि आज जो युग है वो कंपटीशन का है। तो कहीं ना कहीं हमें उस पढ़ाई में भी अच्छे मार्क्स लाना, अच्छा रिपोर्ट करना होता है। यदि हम उस पढ़ाई में अच्छा करेंगे
तो आज, क्योंकि वो पढ़ाई एक शरीर के लिए, यदि आपको पैसा कमाना है तो उस पढ़ाई की भी एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस है। लेकिन आज की पढ़ाई में हमारे एक चीज़ की कमी है, वो है स्पिरिचुअल एजुकेशन। जैसा कि हमने मन की शक्ति के बारे में बात की, तो आज हमारी पढ़ाई में, एजुकेशन में, उस चीज़ को महत्व नहीं दिया जा रहा। कहीं ना कहीं वो चीज़ एब्सेंस है। तो उस चीज़ की एब्सेंस होने के कारण तीसरी चीज़ हमें अलग से इस चीज़ को नोटिस करना है। पहला, हमें परिवार के टच में रहना है। दूसरा, हमें स्टडी पर ध्यान देना है। तीसरा, हमें स्पिरिचुअल स्टडी भी करनी है। स्पिरिचुअल स्टडी अर्थात अपने मन को शक्तिशाली बनाने की एजुकेशन स्टडी, और उसके लिए हमें विशेष मेडिटेशन। तो मेडिटेशन का अर्थ या अध्यात्म का अर्थ कुछ ऐसा नहीं है कि हमें कुछ वस्त्रों को चेंज करना है या अलग वेशभूषा बनानी है। अध्यात्म का अर्थ है हम अपनी विचार शक्ति को समझें, हमारे मन के अंदर जो विचार चल रहे हैं वो किस प्रकार के हैं। क्योंकि हम पहले भी बात कर चुके हैं, विचार हमारी सर्वोच्च शक्ति है जो हमारे भविष्य को बनाती है। इसलिए मेडिटेशन हमारे विचारों को कंट्रोल करता है, क्योंकि विचार कंट्रोल में होंगे तो उनकी पावर अच्छी होगी, उनकी एफिशिएंसी, क्षमता अच्छी होगी। और विचार जितने ज़्यादा चलते हैं, उनकी क्षमता, उनकी पॉजिटिवनेस उतनी ही कम होती है। तो मेडिटेशन हमारे विचारों की क्षमता अर्थात शक्ति को बढ़ाता है, पॉजिटिव एलिवेटेड विचार लाने सिखाता है हमें। इसलिए तीसरी चीज़ हमें स्पिरिचुअल स्टडी हमारे डेली लाइफ में इंक्लूड करनी है। तो ये स्पिरिचुअल स्टडी हमारे मन को शक्तिशाली बनाएगी, और जब हमारा मन शक्तिशाली होगा, हमें सोचने की क्षमता हमारी शक्तिशाली होगी, हम अच्छे विचार क्रिएट कर पाएंगे, अच्छा निर्णय कर पाएंगे, क्या हमारे लिए सही है, क्या हमारे लिए गलत है। जब सही गलत का निर्णय हमें करना आ जाएगा, तो हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा सकते हैं। इसलिए मेरी यही शुभकामनाएं हैं, शुभ भावनाएं हैं कि आप सभी अपनी शक्तियों को सही कार्य में लगाएं, अपना जीवन बनाएं, अपने समाज का जीवन बनाएं, और अपने देश को और विश्व को नया और शक्तिशाली बनाने में सहयोग करें। ओम शांति।